ये भी बड़ा जरूरी और अहम मसला जे जराबा दे मसा करने दा। मसलन जिस बंदे ने जराबा पाई ने क्या वो तो उत्ते मसा करेगा या नहीं करेगा, यह भी मैं तुहानू हदीस तो साबित कर लगा दस लगा भी जराबा दे मसा करना चाहिए या मोजिया दे मसा करना चाहिए। कई बार बंद वेखे ना इतने बंदा वुजू करता हो तो वो दिल ना ना करे भी पानी ठंडा है तो उतो ही हाथ गिला करके जराबा के उत्ते फेर देता भी चलो जी जराबा दे मसा जायज़ है। साढ़े नज़दीक असी आले सुन्नत व जमात हाँ, साढ़े नज़दीक जराबा दे मसा नहीं होंगे जिड़िया असी अजक पाने जराबा जिड़िया ना लास्टक दियाँ इन्हों दे मसा नहीं होंगे। मसा होगा मोजिया के कि चमड़े के मोजे नहीं होंगे तुम वेंदे हो चमड़े के मोजे तो मसा तुम कर सकते हो वह तुम फजर टाइम करो तो इशा की नमाज भी वेद पढ़ सकते हो। मसलन तुम तुम पैर धोन की लड़ नहीं तुम हथ गिला करके तो मोजिया के मसा कर सकते हो। जराबा तो मसा नहीं होंगे जड़िया जराबा असी पाने क्यों फुकाहा ने शर्त रखी है कि ऐसा जराबा हो जिद तीन चीज़ा पाइया जाते मसा हो सकता उस तो अलावा किसी जराब से मसा नहीं हो सकता। और तीन चीज़ा कि पहली चीज़ उन्हें क्या है कि जी जराब होडी मोटी हो पानी जरा छिन के पैर न लगे हूँ जी असी जराबा पाइया ने ना ए कतरा एक पानी का सुटो हो पैर न लगेगा कि नहीं लगेगा लग जाता ना जराबा गिलिया हो जाते पैर भी गिले हो जाते हैं क्योंकि यह बरीक जराब है ये अंदरों पानी छिन जाता है पानी थले चला जाता है पानी पैरों को लग जाता है। फुकाहा ने जिहड़ी शर्त रखी है वह जराब होवे जिदे नाल पानी छिन के थले ना जाए पैरों को पानी ना लगे। आ जिहड़े मोजे ने तुहानू पता इन्हां दा पानी थले नहीं जाता यह चमड़े का बनया हुंदा ना मजबूत मोटा बनया हुंदा ठीक है। अगर पानी पैर तक पहुँच गया फिर उस जराब से मसा करना जायज बोलो जायज पहली सूरत। दूसरी सूरत उन्हें की किया कि वह एडे मजबूत जराब होवे एडी मजबूत जिहड़ी तुसी जराब पाई है जराब वह एडी मजबूत होवे कि बगैर जुत्ती पाण तू तीन मील पैदल तुसी सफर करो तो तुहानू दर्द भी ना होवे ते जराब फटे भी ना। हुण जिहड़ी असी जराबां पाने आ तीन मील छड्ड के असी ते 20 कदम नहीं चल सकते इहदे नाल फट जाएगी ना क्योंकि यह है ही बरीक है। दूसरी सूरत उन्हें रखी पहली सूरत भी दस दी दूसरी इंज की जराब होवे एडी मोटी होवे कि तीन मील बंदा सफर पैदल करे तो फटे ना उहदे ते तुसी मसा कर सकदे अगर इंज की तो हुण ते इंज की जराब भी कोई नहीं। तीसरी उन्हें जिहड़ी शर्त रखी है वह यह शर्त रखी है फुकाहा फरमाते हैं कि वह ऐसी जराब होवे कि जिहड़ी जिसम दे नाल चिमड़ जाए। इधर वेखो अगर किसी चीज़ के बन्नन तो बगैर वह थले आ जाए फिर वो तो भी मसा जायज़ नहीं। आ जड़िया जराबा असी पाने ना ये उतली सैड से ना लास्टिक लगी होंगी है तुसी चेक कर लो जी उतली सैड होंगी ना जरा मोटी होंगी ना वो लास्टिक लगी होंगी वह जी ना चिमड़ जाती जिसम के नाल फिर जराब न थले नहीं आन दी और लास्टिक जी उत्ते लगी होंगी है वो वजह तो जराब खलोती होंगी पैरों अगर वह ना ना हो तो पता कई बार वह लास्टिक ढीली हो जाए ना लूज हो जाए तो जराब बार बार थले लथ जाती लथदी कि नहीं लथदी। ए तीन शर्त फुकाहा ने दसिया ने जिस जराब के अंदर यह तीन शर्त पाइया जाए तो तुम मसा कर सकते हो। जेडे सूरत आल अजक जी असी जराबा इस्तेमाल कर रहे हैं या मार्केट च मिल रही ने इन्हें मसा करना जायज़ ठंड भी हो फिर भी पैर धो लो नमाज नहीं जी होनी मत तुम किसी भुलेखे च होवो। मैंने एक बंदा कह लगा जो अहले हदीस से कर लेंगे तो मैं क्या तू दस तू अहले हदीस है कि अहले सुन्नत है तू तो अपने मसलक की गल करनी है जो साढ़े फुकाहा ने बजुर्गों ने अकाबिरी ने दीन ने जी गल समझाई है सानू दसी है ये मेरे कोल मौजूद है फतावा शामी के अंदर फतवा मौजूद है आले सुन्नत उलामा का और जड़िया सूरत हालां तुम दसिया ने भी मेरे को मौजूद ने कि इन तिना सूरत हालां तो बगैर जराब तो मसा नहीं तुम कर सकते। मोजे हो मोजिया मसा करना जायज़ पांच नमाजा तुम एक मसे न पढ़ सकते हो पैर धोन की तुम लौड़ पैर धोन की लड़ मसा तुम फजर टाइम मोजे तो मसा किया ना ए नहीं भी जोहर टाइम तुम मोजा ला के तो फिर उन्होंने पैर धो के तो फिर उन्होंने पा लो इंज नहीं तुम वो उत्ते ही जरा मसा कर लो जोहर टाइम भी असर टाइम भी मगरब टाइम भी इशा टाइम भी पांच नमाजा पैर धो के मोजा तुम पा लिया वो पांच नमाजा तुम पढ़ सकते हो मसा करने के नाल मसा करना उत्ते लाजमी इन्हें भी मसा करना ही नहीं हर नमाज टाइम वो हाथ फेरने। ये जराबा का मसला बड़ा जरूरी मसला कि जराबा तो मसा करना जायज़ या नहीं जायज़ साढ़े नज़दीक जायज़ नहीं जेडे करते ने वो जानन तो उन्हों का अमल जाने उन्होंने को भी कोई दलील है तो ठीक है साढ़े नज़दीक साढ़े उलामा नज़दीक साढ़े फुकाहा नज़दीक
कि जराब ते मसा करना जायज। बोलो जायज, उची बोलो जायज। नहीं जराबा तो नहीं, जो कोई करता हो मना कर दिया करो, कोई मनेगा ठीक है, ना मने तो मर्जी, मसले का तो पता लग गया ना जी।